हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग शाम को स्टार्ट हो रहा है। अरे भाई, चल ले, थोड़ा सा नहीं चल रहा। ओ, चल गया गाइस। तो गाइस, मैं कह रहा था आज का ब्लॉग थोड़ा शाम से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सुबह से मैं कहीं काम पे फंसा हुआ था, तो इसलिए मैंने आज शाम को ही ब्लॉग किया स्टार्ट। अभी मैं जा रहा हूँ घर अपने ऑफिस से, एंड देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक नहीं कब तक पहुँचते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, कल की हालत ख़राब है। जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है। पहले मैं गाइस इसको ओवरटेक कर लूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। ये यार गाइस कब से आगे आया जा रहा था, तो बेटर है थोड़ा आगे निकल जाए उससे, एंड साथ में आपसे भी बात करते रहे। गाइस, रोड इतना ख़तरनाक है ना, क्या बताऊँ। और आज मुझे लग रहा है मैंने गलत रोड ले रही है, बट चलो अब इसी रोड से जाना पड़ेगा। अगर क्या करें गाइस, गाड़ियाँ देख रहे हो गाइस कितनी फास्ट आ रही है आगे से, बंदे देखते ही नहीं है, सीधा घुसते हैं आगे। चलो क्या करना है, अपना काम करना है, हमने अपना ब्लॉग करना है, हमें क्या किसी से लेना देना। एंड गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस, अभी ब्लॉग कर रहे हैं हम। गाइस, मैं कह रहा था इस रोड पे, ओ भाई साहब धीरे आराम से। देखा गाइस कैसे बंदे ब्रेक के लगाते हैं, फिर मरने वाला था, अभी ठोक देता मैं, खुद भी गिरता और मुझे भी गिराता। चलो गाइस, मैं ये कह रहा था कि इस रोड पे तगड़ा वाला जाम मिलता है, और मैंने बहुत बड़ी वाली आई गलती कर दी इस रोड पर आके। चलो आई होप कि आज इतना जाम ना मिले। गाइस सच में मुझे अभी तक ऐसे दिल में हो रहा है, दुख दुख हो रहा है, बंदा देखा कैसे आया और मैंने जो दम ब्रेक लगा दी। अगर मैं ब्रेक ना लगाता बंदा गया था कसम से। अब बंदे को क्या बोले, गालियाँ देंगे। मेरा कंटेंट नहीं है कि मैं गालियाँ दे के व्यूज़ लाऊँ, गालियाँ मैं देता नहीं किसी को, ना देता हूँ ना सुनता हूँ। आराम से अपना करो, ब्लॉग करो और गिर जाओ। एंड अगर आपको मेरा स्पीडोमीटर दिख रहा होगा गाइज, मुझे नहीं पता अगर दिख रहा होगा तो, आपने देखा होगा मैं 40-45 से ऊपर नहीं जाता मैं कभी भी। अगर जाऊंगा तो पहले मैं देख लूँगा कि मेरे से गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी कि नहीं होगी। इधर जाम देखो गाइज, आगे जो ये वाइट कार वाला जा रहा है ना, इसने जाम लगाए हुए हैं। इनको ओवरटेक कर लूँ पहले, फिर उसके बाद देखते हैं, करता हूँ आपसे बात। पहले मैं इनको ओवरटेक कर रहा हूँ, एक आगे वाला अंकल भी ना जगह दे रहा, अपनी मन मस्ती में नहीं कर रहा है। जाना पता नहीं कहाँ पे है, तो चल बीच में रहा। हाँ देख ले, पहले तो पीछे ही देख ले, पागल इंसान। गाइस अभी रोड खाली मिला है, अभी थोड़े से भगाते हैं बाइक को, देखते हैं कितनी टच होती है। नहीं पता चल रहा कितनी टच हो रही। ओ भाई साहब भाई क्या बताऊँ भाई, देखा मेटाडोर वाले की भी दिमाग खराब करते हैं और कुछ नहीं। A few moments later. Guys, ब्लॉग थोड़ा लेट ही अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बीच में मेरा फ्रेंड मिल गया था, एंड उससे थोड़ी बात कर रहा था मैं। एंड चलो देखते हैं क्या बनता आगे। अभी मैं थोड़ा सा तेज़ी निकलूँगा। वो निकल गया भाई साहब, निकल गया। ये हो रही आगे मेटाडोर रुक गई, निकलने का क्या फ़ायदा, मेटाडोर वाला तो जगह देगा ही नहीं। लेफ्ट साइड में इतनी जगह पड़ी हुई है ना, फिर भी नहीं इसने जगह देनी, बीच में लगा देते हैं मेटाडोर वाले, दिमाग खराब करते हैं और कुछ नहीं गाइस। इनका सच में क्या बोले इनको, आगे ये देखो वैगनार वाला भी नहीं देगा अभी जगह। ओ भाई साहब जगह दे दे थोड़ी सी, मैं निकल जाऊँगा आराम से। दे दे भाई साहब, हाँ दे दी। चलो चलो चलो, ओ आगे से गाड़ी, आगे रुकना पड़ेगा। इधर भी गाइस बहुत ज़्यादा जाम होता है, और इधर से निकल जाऊँ तो आराम से घर पहुँच जाऊँगा, इतना जाम नहीं मिलेगा। अब जाम वाला एरिया ख़त्म हो गया, थैंक गॉड, और आज ज़्यादा जाम नहीं है। ये तो गाइस इतना ट्रैफिक होता है ना इधर, क्या बताऊँ आपको। तो अभी इधर से निकलते हैं, और आगे मेरे फ्रेंड का भी घर आने वाला है, अभी मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, अपना ब्लॉग शूट करके सीधा घर को निकलूँगा, क्योंकि 5:30 बज रहे हैं। आई होप, जितना मुझे पता, आई होप नहीं, मुझे लग रहा है 5:30 हो गए हैं। जैसे मैं 5 बजे घर पहुँच जाता हूँ, आज लेट हो गया भाई साहब, तो लेट होगा फिर ब्लॉग का एडिट भी करना है, फिर डालना भी है ये ब्लॉग।
क्या करूँ भाई, लाइफ बहुत ज़्यादा हैक्टिक चल रही है। कोई नहीं, फिर भी लॉक तो डाउन ही है अभी, बस पहुँचने वाला हूँ। एक डेढ़ किलोमीटर रह गया घर मेरा इधर से, एंड अभी इधर से थोड़ा सा निकल जाऊँ पहले। बस लोग दे, लोग नहीं मानते भाई, लोगों के पास गाड़ियाँ सोचते हैं हम ही होंगे। हाँ तू ऊपर चढ़ जा भाई, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, ना इनके पास लाइसेंस है ना कुछ है, फिर भी गाड़ी चलाते हैं और बीच रोड में इतनी फास्ट चलाते हैं ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और चलो 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 भाई साहब इधर से निकलते हैं, एंड हाँ तू बीच में आ जा पहले। बस गाइस इसमें पहुँचने वाला हूँ घर, एंड उसके बाद मैं जितना भी ब्लॉग होगा उतना ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरा गला भी थोड़ा सा खराब चल रहा है, और आपको भी लग रहा होगा मैं से इतना बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैं ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था मैं ब्लॉग डेली डालूँगा। और आज ये फोर्थ ब्लॉग है, आई होप आपको ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगेगा। गाइस मैं ना आगे वाली गली से टर्न ले लूँगा और उधर से पास पड़ेगा मेरे घर। ए पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए। हाँ जी दीदी जी जगह दे दो। हाँ जी भाई साहब बस पहुँच गए। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, एंड गाड़ी धीरे ही चलाएं, 40 की स्पीड में ही चलाएं गाड़ी, 40 से ऊपर ना ही जाएं तो अपने लिए भी सेफ्टी है। तो ओके गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।